वेलकम टू क्रैक स्टडी फ्रेंड्स, मैं मामूलसन और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि ओप्पो A33f यानी Neo7 जो ओप्पो का मोबाइल है उसका अगर आप पैटर्न लॉक किया है उसके बाद प्रॉब्लम ये आया है कि वो पैटर्न लॉक का जो डिजेबल करना है आपको डिजेबल का ऑप्शन नहीं रहता है जैसे नो पासवर्ड का जो ऑप्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसा आपके साथ हुआ और आप डिजेबल करना चाहते हैं तो नो ऑप्शन मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आज के इस वीडियो में मैं यही सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा चैनल है क्रैक स्टूडियो, इसमें बहुत सारे वीडियोस मैं अपलोड करते रहता हूँ और आप लोगों को ज़रूरत होगा इस टाइप का ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपलोड होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल है प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि मेरा जो वीडियो अपलोड होती है आप लोगों को तुरंत जो नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इसी वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि अगर आपका पैटर्न लॉक आपने पैटर्न लॉक कर लिया मोबाइल का और उस पैटर्न लॉक को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले मैं जाके आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए, ये मेरा ओप्पो A33f यानी कि Neo7 है, इसमें मैं सेफ्टी एंड प्राइवेसी में क्लिक करता हूँ। तो ये आप स्क्रीन लॉक है, स्क्रीन लॉक में क्लिक करता हूँ। मैं अपना लॉक खोल देता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न लॉक हम रिमूव करना है तो उसके लिए पैटर्न लॉक का डिजेबल का जो ऑप्शन है, डिजेबल बाय एडमिनिस्ट्रेशन इंक्रिप्टेड पॉलिसी क्रेडेंशियल स्टोरेज, ये वाला देखिए बंद है। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना है हमें, तो हमें पहले बैक में जाना है। ठीक है, तो होम स्क्रीन में सेटिंग का होम स्क्रीन में आना है। ठीक है, मैं सेटिंग का ऑप्शन में आने के बाद, सेटिंग में आया, आने के बाद देखिए सेफ्टी एंड प्राइवेसी जो है इसमें हमको जाना है। इसमें जाने के बाद देखिए यहाँ पे तो ये ऑप्शन तो नहीं आया, नीचे आना है हमें। नीचे आने के बाद सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे जो ट्रस्टेड क्रेडेंशियल जो है इसको देख लीजिए, यहाँ पे यूजर होगा, दोनों होगा, ठीक है, सिस्टम होगा। तो इसमें बैक करने के बाद आप सीधे से जाइए, ये ट्रस्टेड क्रेडेंशियल है इसको ज़रूरत होता है, इसमें क्लिक करिए। लेकिन इसके लिए आपका सब ठीक है तो अभी क्या करना है, ट्रस्ट एजेंट जो है इसमें क्लिक करना है। ठीक है, इसमें आपने ये जो सेम लॉक है इसको ऑफ रखना है, स्मार्ट लॉक जो है ना इसको ऑफ ही रख दीजिए। फिर बैक जाइए, अभी क्लियर क्रेडेंशियल्स तो इसमें क्लिक करिए, करने के बाद रिमूव ऑल कॉन्टेंट्स तो यहाँ पर ओके कर दीजिए। ठीक है, सब रिमूव हो गया, अभी इसको बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद सेफ्टी एंड प्राइवेसी में हम लोग फिर जाएंगे, जाने के बाद स्क्रीन लॉक है इसमें क्लिक करेंगे, जो लॉक है इसको ओपन कर लेता हूँ मैं। अब देखिए नो पासवर्ड का जो ऑप्शन, है यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नो पासवर्ड का जो ऑप्शन है ये आ गया, तो यहाँ पे क्लिक करके हम नो पासवर्ड कर लिया। अभी हम आपको दिखाते हैं, मैं अपना मोबाइल के बाद अभी ओपन किया। ठीक है फ्रेंड्स, लॉक हो गया, अभी ओपन किया, देखिए अभी जो लॉक का ऑप्शन है वो ठीक हो गया। ठीक है, तो नो पासवर्ड का जो ऑप्शन था वो भी खुल गया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन लॉक, ये रहा नो पासवर्ड, अभी नो पासवर्ड में मेरा ये वाला ओपन कर चुका है। तो फ्रेंड्स, ये था सिंपल सा जो स्क्रीन लॉक अगर ओपन कर लिया आपने तो उसको डिजेबल करने का। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you. Stay with us.